अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSEA टीवी और मैं हूं उमर बख्त। हमारे इर्द गिर्द अक्सर नौसरबाज सादा लोग शहरियों को अपने हरबों से लूटते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में बुजुर्ग शहरी के साथ पेश आया। पापा जी, मेरे पैसे तो नहीं देखे, इधर गिरे थे, पड़े हुए थे, वो उठा कर ले गए। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, उसमें एक बुज़ुर्ग थे, वो मनी एक्सचेंज से पैसे एक्सचेंज करवा के 2.5 लाख रुपया बाहर निकले। बाहर निकल के वो एक नौसरबाज गैंग के हाथे चढ़ गए। उसमें वो क्या करते हैं कि पैसे नीचे गिराते हैं। एक बंदा, वो बुज़ुर्ग जो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक बंदा पैसे उठा के लेके जा रहा है। एक उनके साथ ही साथी होता है, वो बाबा जी को कहता है, ये पैसे आपके तो नहीं थे? वो कहता है, नहीं, मेरे पास तो नहीं। वो कहता है, चलो। एक बंदा पीछे से आ जाता है, वो कहता है, ये मेरे पैसे इधर गिरे थे। वो कहते हैं, वो बंदा लेके जा रहा है आगे। वो उसके पीछे भाग जाता है। आगे से उनका एक और बंदा होता है, वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है, वाजन लगाता है, पकड़ो इसको, पकड़ो। वो पकड़ लेता है। अब वो जो बंदा साथ होता है बाबा जी के, वो कहता है, बाबा जी हमने देखा तो उसकी मदद करें, बेचारे के पैसे थे। वो सारे उधर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर उधर जाके वो पकड़े थे, खान जी ये बिल्कुल मेरे सामने पैसे उठाए इसने। वो कहते हैं, हाँ भाई देख लो, मैंने कौन से चोरी किए, ये पैसे नीचे गिरे हुए थे, मैंने पकड़ लिए। वो कहता है, चलो गिन लें आपके पैसे पूरे हैं। वो गिनता है, गिनती करता है, पैसे उसके पूरे होते हैं। वो कहता है, पैसे तो मेरे पूरे हैं, ये उसमें सोने की चेन थी, वो भी नहीं है। अब एक और इनका साथी एक और आ जाता है पीछे से, हाँ जी क्या मसला है, क्यों इकट्ठे हुए? वो कहते हैं, ये मेरे इस तरह पैसे थे, ये इस बंदे पकड़े हैं, ये सारे बंदे मिले हुए हैं, इनके सामने ये सारा वकुआ है। एक बंदा उनका जाता है, वो रुमाल निकालता है, रुमाल निकाल के कहता है, सारी चीज़ें आप इसमें डाल दें, मोबाइल, पैसे। वो उनका अपने बंदे को भेजता है, वो सामने एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, दरख्त है या जो भी है, उधर आपने जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो पीछे मुड़ के देखेगा वो चोर है। अब वो एक बंदा जाता है उनका अपना, वो वापस आ जाता है, वो कहता है, ठीक है जी आप, ठीक है आप चले जाए, उसको पैसे देता है, वो चला जाता है। मीनवाइल एक साथ ही गाड़ी कार एक खड़ी होती है। अब बाबा जी को जो विक्टिम है उसको कोई पता नहीं क्या हो रहा है, वो एक कार खड़ी होती है, वो जाके कार के दाएं बाएं जाके खड़ा हो जाता है। अब दूसरा वो उसका नंबर दूसरा भी लग सकता है विक्टिम का, तीसरा भी लग सकता है। अगर दूसरा लग गया, वो बाबा जी इसी तरह उधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, पीछे साढ़े जो है ना 5 के 5 गाड़ियों में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के जो निकल जाते हैं, बाबा जी के सारे पैसे जो उसमें डाले होते हैं, वो इसी तरह जो है ना वो लेके चले गए नौसरबाजी करके। मगर शहरियों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें लूटने वाले अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। फिर मेरे पास केस आया, मैंने बाबा जी को लेके गया उधर, मनी एक्सचेंज के कैमरे देखे, उनको मेन कैमरा पे सेफ्टी के कैमरों के सामने लेके आया, सेफ्टी के कैमराज के सामने उसको लेके आया। फिर देखा कि वो एक इसी तरह सारा सीन, वो बाई चांस ही वो सारा वो कैमरे के आगे सारा सीन हो रहा होता है, सेफ्टी के कैमरे के आगे सारा कुछ हो रहा है। बाबा जी को दिखाई देखे ये सारा, वो कहता हाँ जी ये इस तरह किया। वो कार में जो भागे, जो वो कार को फिर ट्रेस किया कैमरों से, सेफ्टी के NPR कैमरा से सारा उसको बैक ट्रैक किया, फॉरवर्ड ट्रैक करके गाड़ी का नंबर ट्रेस किया, गाड़ी का नंबर ट्रेस करके मुलजमान को पकड़ा, गाड़ी को पकड़ा, फिर बाबा जी के 2.5 लाख रुपये बरामद करके उनके हैंड ओवर कर दिए। जुर्म छोटा हो या बड़ा, अंजाम हमेशा कानून की बालादस्ती की सूरत में होता है। याद रखिए, दिन हो या रात, सेफ सिटीज़ के कैमरे शहर भर में होने वाली मुजरमाना और मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।